इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो अमर नाम है,
भाई क्या करता है हमारी गीता का होने वाला पति? ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा लड़का है। गुड गुड, बहुत अच्छे लोग मिले हैं हमें। गीता की कुंडली मिला है लड़के की कुंडली से? भाई साहब, ये कुंडली का चक्कर मैं नहीं मानती। पंडित जी, किस सोच में डूब गए आप? अच्छी बात नहीं है सेठ जी, अमर की राशि के हिसाब से आने वाले 6 महीने उसके लिए बहुत भारी हैं। अमर की जान को भी खतरा हो सकता है। हेलो आंटी, वो गीता है? अरे गीता की शादी हो रही है, ढेर सारा काम है, वो तेरी राह देख रही है, उठने लग रहा है, बस तू जल्दी से आ जा। आंटी, वो पंडित जी कह रहे थे कि... ओफो, क्या कह रहे थे पंडित जी? पंडित जी कह रहे थे कि जन्म कुंडली मिला लेते तो अच्छा था, क्योंकि अमर की जान को... मेरी बेटी बर्बाद हो गई सेठ जी, नसीब फूट गए मेरी बेटी के। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, मैं ही दुश्मन बन गई अपनी औलाद की। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, काश मैंने किरण की जिद सुन ली होती, काश मैंने दिखाई होती पंडित को गीता की जन्म कुंडली। ये क्या बेहूदगी है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डडे। फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत क्या है अय्याशी? चुवा रेस, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी गौड़ी भी नहीं है। रणधीर के लिए तो सब कुछ है आपके पास, और अपने सगे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। सगा बेटा? तुम्हें तो अपना कहते हुए मुझे शर्म सी महसूस होती है। जाओ, जाकर रणधीर को देखो, क्या इज्जत है उसकी, क्या नाम है उसका। मेरी फैक्ट्री उसके दम से चलती है, और तुम हो? ऑफिस गए तो अपनी आवारगी से मेरा मुंह काला करवा दिया, मिट्टी में मिला दी मेरी इज्जत। फैक्ट्री पर जाकर चोरी करने लगे, और अब शराब, जुआ, रेस, बाप के नाम को क्या रोशन कर रहा है ये मेरा कपूत। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर, केक काटो। Many, many happy returns of the day. Thank you. Hello? कौन? मैं, और कौन? इस शहर में एक ही तो है जो सुबह शाम तुम्हारे नाम की माला जपता है। शब्द में उलझाकर कहां तक ले जाओगे मुझे? जहां से मोहब्बत की सरहद शुरू होती है, मेरा हाथ थामो और अपनी घनी जुल्फों को मेरी आंखों पर शाम की तरह सजा दो। रात ही नहीं, काफी रात हो चुकी है, डैडी नाराज हो जाएंगे। जूनियर, प्लीज हमें घर छोड़ दो ना। नहीं, तुम्हें छोड़ने को जी नहीं करता। हमारे जाने की इतनी परेशानी है तो हमेशा के लिए अपने घर क्यों नहीं ले आते? अरे वाह, क्या आइडिया, चलो अभी घर चलते। जी नहीं, पहले मेरे डैडी से इजाजत ले लीजिए और फिर जहां जी चाहे वहां ले चलिए। ठीक है,
तुम आज ही अपने डैडी से फाइनल बात कर लो। ये रणधीर मेहरा की बात कर रही हो ना तुम? आपको किसने बताया? बाप हूं तुम्हारा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि रवि से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। रवि मुझे पसंद है डैडी, लेकिन मैंने उसे कभी उस ख्याल से नहीं देखा। और फिर रवि को तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मुझे रणधीर नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं रणधीर के अंकल से मिल लेता हूँ। मिलने से कहाँ मिलता है, एक बार आदमी, हर आदमी में होते हैं दो चार आदमी। उस दिन के सुरेंद्र मेहरा और आज के सुरेंद्र मेहरा में बहुत फर्क है, यकीन मानिए। मेरे अंदर के बाकी मेहरा और भी दिलचस्प मिलेंगे फलाओ जूनियर का, जिसकी वजह से आज ये मुलाकात हो गई। जूनियर? रणधीर और कौन? अच्छा अच्छा, उसे सब जूनियर कहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब वीरेंद्र को सब सीनियर कहा करते थे और मैं अब तक वहीं लटका हुआ हूँ। आप वाकई बहुत दिलचस्प इंसान है, यकीन मानिए। मैं एक अच्छा समधी और सुसर भी साबित हो सकता हूँ, मौका तो दीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अब आपने मुझे ना कहने के काबिल नहीं छोड़ा, तो इस खुशी में जय। सेठ जी, मैं जानता हूं आपने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा, फिर भी मेरी आपसे एक विनती है। जी कहिए। आप रणधीर की जन्म कुंडली तो मंगवा लीजिए। जी। सितारे ठीक नहीं है, अगर ये शादी हो गई तो किरण के नसीब में सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी। क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका यह मंगल उसे तबाह कर देगा। सेठ जी, अच्छा यही होगा कि किरण की शादी रवि से। क्या बात है डैडी, बताइए ना प्लीज। क्या है बेटी, कि तुम रवि से शादी कर लो? रणधीर के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। रणधीर तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन रणधीर में बुराई क्या है? उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसका वक्त बुरा शुरू हो रहा है। आज वक्त बुरा है तो कल ठीक भी तो हो सकता है। मैंने उसके सुख और दुख में साथ देने का वादा किया है। दुख की एक किरण भी मेरी किरण के नसीब में होती तो मैं मान जाता, लेकिन यहाँ तो अमावस की काली रात है। लेकिन मैं इस रात को बदल डालूंगी। ये तुम्हारे बस में नहीं है पंडित जी, जरा आप ही से समझा दीजिए। बेटी, इस संसार में ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो मां न बनना चाहे, और इस संसार में कोई भी मां ऐसी नहीं होगी जो अपनी औलाद को खोना चाहेगी, और कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगी जो ठीक 22 साल बाद अपने ही हाथों अपनी ही संतान की हत्या करेगा। और एक बात याद रखो बेटी, वो एक नहीं कई खून करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रणधीर कभी ऐसा नहीं कर सकता, झूठ बोलता है पंडित। ये पंडित कभी झूठ नहीं बोलता। एक मामूली सा क्लर्क था मैं, इसी पंडित ने कहा था कि एक दिन उस कंपनी के मालिक बनोगे, मैंने झूठ समझा, लेकिन मैं उस कंपनी का मालिक बना। इसी पंडित ने एक दिन मुझे कहा कि तुम्हें करोड़ों की जायदाद मिलेगी, मैं अनाथ लावारिस हंस दिया, लेकिन यह सच हुआ। हमारा एक करोड़पति रिश्तेदार एक एक्सीडेंट में मारा गया, और मैं उस खानदान का इकलौता वारिस था, और वो सारी करोड़ों की जायदाद मुझे मिली। तुम्हारी मां के बारे में बताया, यहां तक कि हमारी शादी की तारीख लिख दी, वो हुई। तुम्हारे जन्म के बारे में कहा, वो हुआ। तुम्हारी मां की मौत के बारे में कहा, वो भी हुई। ये पंडित बोलता चला गया और सब कुछ होता चला गया, जैसे आने वाला हर पल पंडित के इशारों का मोहताज हो गया, जैसे भविष्य खुद पंडित के आगे घुटने टेक कर बैठ गया हो। जो पंडित समय को खुली किताब की तरह पढ़ गया हो, उसकी कही हुई बात झूठी कैसे हो सकती है?
क्योंकि रणधीर का अगर बुरा वक्त शुरू हो गया है तो हो गया है, क्योंकि ये पंडित झूठ नहीं बोलता है। किरण, सब कुछ जानते हुए तुम ये फैसला कर रहे हो रवि? किरण मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अंकल, मर्द की फितरत बहुत अजीब होती है रवि, बहता है तो दरिया की तरह बहता है, लेकिन जब रंग बदलता है तो किनारों के साथ बाकी की जमीन भी बहा कर ले जाता है। जो सारी जिंदगी किसी किनारे की तलाश में भटका हो वो किनारों को बहाता नहीं बनाता है। अगर किरण मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं समझूंगा कि मुझे ठहरने के लिए थोड़ी सी जमीन मिल गई। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। खुशनसीब तो मैं हूं रवि, मुझे फख्र है तुम पर, तुमने मेरे यकीन की लाज रख ली। अरे ब्रिज, तुम यहां सब ठीक तो है ना? तुमने कैसे सोच लिया कि कुछ खराब है? अरे भाई, पहले तुम इस तरह एयरपोर्ट पर कभी नहीं आए। अंकल तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? अरे भाई, चार दिन से चेयरमैन को ढूंढ रहा हूं, वो मिला नहीं, मेरा कुछ काम नहीं हुआ और ऊपर से मेरा बैगेज खो गया। लगता है बैड लक शुरू हो गया। तुम्हारे लिए बुरी खबर है। बुरी खबर? चिड़िया उड़ गई जूनियर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी। ओम मर्यमणं देवं कन्याग्निम् अयक्षत तनो अर्जुन शिवां नार्यमुपब्रुवते लाजानामा वन्दिका आयुष्मान् इमं लाजा पपाम्यक्नौ समृद्धिकरणम्। क्या गुंडा कर दी है? मुझे किरण से दो मिनट बात करनी है। तुम किरण से नहीं मिल सकते। मैं जब तक किरण से बात नहीं कर लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम किरण से नहीं मिल सकते वरना पछताओगे। मुझे किरण से दो मिनट बात करनी है। पकड़ लो इसको। किरण, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कानून के हवाले कर दो। हवलदार, रिवॉल्वर मुझे दे दो। आप मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ दो मिनट से बात करनी है। मैं कहता हूं कानून को अपने हाथों मत लो। मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए इसके साथ। रिवॉल्वर मुझे दे दो। देखो देखो मैं क्या। ब्लडी फूल, ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और दलीलों से यह बात साबित होती है कि रणधीर मेहरा ने न सिर्फ कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की बल्कि कानून के मुलाजिमों पर भी हाथ उठाया। इसलिए अदालत रणधीर मेहरा को मुजरिम करार देते हुए जेरे दफा 338 के तहत 2 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। हेलो रवि, क्या बात है, अभी तक आए नहीं? क्या है कि वो किरण के सर में दर्द हो रहा था। यार बहाने बनाना बंद करो और कहो कि हनीमून से फुर्सत नहीं मिल रही। जब से आयो कितनी बार टाल चुके हो।
देखो अब कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो हम सब तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। नथिंग डूइंग, ओके बाय। अरे रवि तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मैं अकेले हो आता हूँ। मेरी वजह से कब तक टालते रहेंगे अपने दोस्तों को? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही नहीं जाना चाहता था। रवि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखो। मैंने हमेशा से तुम्हें परेशान किया है। आई एम सॉरी। तैयार हो जाइए, देर हो जाएगी पार्टी में। बाहर फूल मंदाओ, रवि और किरण आए हैं। दोस्तों ये पार्टी रवि और किरण की शादी की खुशी की पार्टी है। मेरे जन्मदिन का तो बहाना था हमेशा की तरह, क्योंकि इन्हें खुद मालूम नहीं कि ये कब और किस वक्त पैदा हुए थे। आज का ये केक किरण और रवि की शादी का केक है। मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा केक काटे और हम सबका मुंह मीठा कराए। किरण चलो अंदर चलो। घबराने की जरूरत नहीं, शीज अ लेडी डॉक्टर, रिलैक्स। हेलो, हाँ थापा। अरे यार मेरे घर पे पार्टी चल रही है, व्हाई डोंट यू कम जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है एक केक और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मिसेज रवि कपूर माँ बनने वाली है और मिस्टर रवि कपूर बाप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है एक केक और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मिसेज रवि कपूर माँ बनने वाली है और मिस्टर रवि कपूर बाप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है एक केक और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मिसेज रवि कपूर माँ बनने वाली है और मिस्टर रवि कपूर बाप। मुबारक हो मिसेज रवि कपूर, आप माँ बनने वाली हैं। माँ माँ रवि से पूछ लिया? पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। पहला बच्चा है, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है। रवि के साथ झगड़ा तो नहीं किया ना? जी हाँ, देखिए ना, झगड़ा मुझसे है और सारा गुस्सा बच्चे पर निकल रहा है। अब आप ही बताइए इसमें उस बेचारे का क्या दोष है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। अरे बाबा कान पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, फिर कभी झगड़ा नहीं करूंगा।
आराम से, आराम से। हेलो जूनियर कपूर। और प्यार से मुझे लोग जूनियर कहते हैं। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूं। बेटे को देखा, कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा है ना। एक बात पूछूं रवि? हाँ पूछो। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे प्यार करने का तरीका ही ना था। सोचती हूँ क्या दिया है मैंने तुम्हें, पत्नी होकर भी पत्नी नहीं बन सकी, और तुम तो देवता हो। वाकई डैडी ने ठीक कहा था, मुझे तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। और मैं बस किरण, बस इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जब लड़की दूसरे घर जाती है तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता ही है। टेक योर टाइम, सब ठीक हो जाएगा। किस मट्टी के बने हो तुम, कितना बर्दाश्त है तुम में। नहीं किरण, नहीं, रोना मत। तुम्हारी आंखों का यही तो एक दरिया है जो मेरे पांव तले की जमीन बहाकर ले जाता है। बात आपकी ठीक है मेहरा साहब, पर ये वसीयत वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ना समझने वाली कौन सी बात है इसमें? आपने अपनी सारी जायदाद जूनियर के नाम कर दी और ब्रिज के नाम कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी मैंने किया है अपने होश आवास में किया है। मुझे रणधीर पर पूरा यकीन है, भरोसा है, हालांकि वो मेरा भतीजा है लेकिन अपनी औलाद से भी ज्यादा है। ब्रिज सब कुछ बर्बाद कर देगा, मैं जायदाद उसके नाम करना नहीं चाहता। अगर ऐसा किया तो सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत दौलत या तो किसी रेस के घोड़े पर चली जाएगी, या शराब में, या तो किसी तोआइफ के कोठे पर। खन्ना, रणधीर ही ब्रिज को संभाल सकता है, वो इस खानदान की इज्जत को तबाह नहीं होने देगा। खानदान तबाह हो या ना हो लेकिन मैं तुझे जरूर तबाह कर दूंगा बुढ़े। तबाह तो हम हो जाएंगे। ब्रिज, पैसे ला। पैसे कहां से लाऊं चिंगली? क्यों? डैडी ने सारी जायदाद मेरे चचेरे भाई रणधीर के नाम करने का फैसला कर लिया है। ये बात तुम्हें जुआ खेलने से पहले सोच लेनी थी। 2.5 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। वांगली अगर पैसे वसूल नहीं करता तो जिंदगी खरीद लेता है। चिंगली, तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही कोई रास्ता निकालो ना। अपने बाप को समझाओ। वो मेरी बात नहीं सुनता। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? बाप को लुढ़का दो। क्या? यस। नहीं तो वांगली तुमको लुढ़का देगा। अरे मेरा बाप तो वैसे ही बीमार रहता है, खुद ही मरने वाला है। वांगली धंधे में भाई, बाप, माँ ऐसी कोई बिरादरी को नहीं मानता है। तुम शायद नहीं जानते हो कि वांगली 2 दिन के अंदर कसिनो का हिसाब मांगेगा और चिंगली कुछ नहीं कर सकेगा। तो अब मैं क्या करूं? रास्ता हमने बता दिया है, काम तुम करो। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वांगली को बोल के हम करा देगा। क्लब का वसूली भी हो जाएगा और तुम्हें जायदाद भी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो क्लब का 2.5 लाख, सुपारी का 2 लाख। सुपारी? तुम्हारे बाप की आत्मा की शांति का किराया भी तो देना पड़ेगा ना। और 2 लाख के अंदर इतनी बड़ी जायदाद का सौदा बुरा नहीं है। क्लब का 2.5 लाख, सुपारी का 2 लाख। टॉनी। यस सर। साहब को काउंटर दो, अकाउंट में लिख देना। जाओ पत्ते खेलो, पत्ते खेलो, जाओ पत्ते खेलो, दिल बहलाओ, जाओ। बड़ा अच्छा आसामी है।
अच्छा ये बताओ जग्गू भाई, अब की बार किसको पार लगा के आए हो? था एक बीमार बुड्ढा, किसी कंप्यूटर कंपनी का साहब था, मेहरा। अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के बजाय अपने भाई के बेटे के नाम करना चाहता था। बेटे की खोपड़ी सनक गई। एक तरफ जुए का कर्जा चुकाना था, दूसरी तरफ बाप भी सब कुछ छीन रहा था। अब मरता क्या ना करता, बाप की जिंदगी का सौदा कर लिया उसने बॉस के साथ। क्या, अपने ही बाप की सुपारी? अपने ही बाप की सुपारी वो अगर ना देता तो खुद मर जाता बॉस के हाथों। हमको इशारा मिला उस बुड्ढे को लुड़काने का। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार तू लंबा जाएगा। अब तक जग्गू और लंबा, तू अपुन के बॉस वॉन्ग को नहीं जानता। दो ही पेशियों में जग्गू बाहर और पंछी की तरह आजाद। पांच सौ पंद्रह, दो सौ बीस, चार सौ उन्नीस, पांच सौ चालीस, चार सौ चालीस, एक सौ सत्ताईस, पांच सौ बीस, चार सौ सत्रह, तीन सौ बारह, पांच सौ नौ, दो सौ बीस, दो सौ अठारह। चलो तुम लोग उस तरफ जाओ, और तुम लोग इस तरफ चलो, और तुम लोग उधर जाओ, जल्दी करो। जग्गू, ए जग्गू, क्या है बे कबूतर? क्या उस्ताद, पहचाने नहीं क्या? अरे कब आए? कल ही आए हैं, अब जल्दी ही जाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? चलो काम पे, चलो तुम ही काम पे जाओ। तो पाव और दे दे। चले चार पाटी मत कर, चल। ठीक है। अरे वाह वाह, हमारा सनी बेटा चल रहा है, क्या शेरों वाली चाल है। रहने दीजिए शेरों वाली चाल, पांव तो देखिए कैसे रखता है जमीन पर। अरे ठीक ही तो रखता है, पांव टेढ़ा रखता है। क्या करेगा, इसका बाप भी तो ऐसे ही चलता है। मैं भी तो एक तरफ पांव रखकर चलता हूँ। आइए चाय पी लीजिए। अरे आते हैं भाई, चलो बेटा पांव उठाओ जूनियर। ए, ए। ये ले दोस्त, आजादी के नाम पे बीड़ी पी ले। कहां जाओगे? मैं तो तू और एक चाल चला। हाँ चल बेटे, तू भी क्या याद करेगा, किसी रईस से तेरा पाला पड़ा है।
शोकर एक का है और दूसरा पत्ता दूसरा भी एक का है और तीसरा तीसरा भी एक का है जूनियर तुम नहीं जूनियर नहीं नहीं जूनियर छोड़ दो साले तूने चाचा को मरवा डाला अंकल की जान ले रही मैंने बर्बाद किया तेरे अंकल को मैंने मार डाला अपने बुढ़े बाप को और अब मैं तुझे मारकर अपनी सारी मुश्किलें आसान कर लूंगा रामजादे तो जैसी जलील औलाद मैंने आज तक नहीं देखी अपने ही बाप को मरवाने की सुपारी तूने खुद दी और आज उन्हीं के नाम का सहारा लेकर तू अपनी जान बचाना चाहता है नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया जो कुछ किया वांग ने किया वांग ने वांग वांग कौन वो ईटर ईटर डांसर वो इसका पता बता देगा टोटल रिकार्डो कपड़े बदलने से पहले कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हें वांग वांग जानते किसका नाम ले रहे हो तुम एक ऐसे व्यापारी का जो मौत का व्यापार करता है मौत का व्यापारी नहीं करता बल्कि वह खुद मौत है अजनबी लगते हो चाइना टाउन में जब कोई पाव रखता है तो मौत परछाई बनकर उसके साथ चलने लगती है मुझे परछाइयों के आगे चलने की आदत है वांग का पता बताओ क्या काम है उससे मैंने पता पूछा है वांग और चिंगली बिन बुलाए मेहमान को पसंद नहीं करते वांग का नाम तो मैंने सुना है लेकिन ये चिंगली कौन है वांग का भाई चिंगली मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझे वांग का पता बताओ भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान खतरे में है जहां तक तुम्हारी जान का सवाल है मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारी जान की हिफाजत मैं करूंगा प्लीज बताओ वांग कहां है ड्रैगन हाउस चाइना टाउन थैंक यू सॉरी मैंने आपको आई एम सॉरी चिंग ली कब से चल रहा है ये चक्कर मेरा कोई चक्कर नहीं भागने की तैयारी हो रही थी मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ याद है तेरा नहीं मैं नहीं जानती तो पुलिस का आदमी था मैं बिल्कुल नहीं जानती नहीं जानती तो तेरे कमरे में क्या कर रहा था जाने वाला था जबरदस्ती कमरे में घुस आया नाइट क्लब में नाचने वाले के कमरे में कोई भी घुसना चाहता है चिंगली तुमने मेरे पर काट कर मेरी उड़ान छीन ली है मुझ पे इतना जुल्म मत करो मुझ पे इतना जुल्म मत करो चिंगली चिंगली बहुत बहुत खराब आदमी है उसे डर लगता है तुम कहीं भाग न जाओ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर गलती हो गई प्लीज मुझे माफ कर सॉरी 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 प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर प्लीज 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 मुझे छोड़ दो चिंगली
मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने चिंगली के बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं दी साहब, मैंने कुछ नहीं बताया पुलिस को साहब, मेरा विश्वास करो साहब, मैं सच कह, मैं सच कह, मैंने चिंगली के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं साहब, मुझे छोड़ो साहब, मुझे माफ करो साहब, मुझे छोड़ दो साहब, हाथ छोड़ो साहब। कुछ नहीं बताया साहब। पुलिस का कब्री था, मेरा भाई चिंगली का कब्र चापने गया था, हमने अखबार ही जला डाला। आओ बैठो, क्या पियोगे, ठंडा या गरम? कुछ नहीं। काम? वही, किसी को खत्म करना है। दाम हो तो सब काम हो जाएगा। कीमत बोलो। 2 लाख। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। कटने वाला बकरा मोटा लगता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का दाम इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। यह क्या है? घड़ी। ठीक ऐसी एक घड़ी मेरी कलाई पर बंधी है। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो ये घड़ी अपनी कलाई पर बांध लो, क्योंकि मैं जिसकी सुपारी तुम्हें दे रहा हूं, मुझे उसकी लाश 24 घंटे के अंदर चाहिए, और ये घड़ी तुम्हें वक्त की याद दिलाती रहेगी। मामला अर्जेंट लगता है। कीमत भी 5 लाख है ना? ठीक है। सुना है सुपारी लेकर वादे से पलटना इस धंधे का असूल नहीं है? ठीक सुना है। नाम, पता, पता। ये है मेरा शिकार। नाम वांगली, पता ड्रैगन हाउस, चाइना टाउन। मैंने तुम्हारी सुपारी तुम्हें दी है, तुम्हारी मौत का सौदा मैंने तुमसे किया है। Yes. अपने कुत्तों से कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दें, वरना जो काम तुम्हें करना है मुझे करना पड़ेगा। फेंक दो। चलो। बेवकूफ इंसान, ये वोंग की दुनिया है, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? ये घड़ियां चल रही हैं वोंगली, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे मुंह से बड़ा सुराख मैं तुम्हारी खोपड़ी में कर दूंगा। मैं तुम्हारा मेहमान हूं वोंगली, मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं चलोगे? पकड़ो आरामी की औलाद को। तलाश करो साले को, पकड़ो आरामी की औलाद को। वोंगली ने अगर जुबान दी है तो जुबान पूरा करेगा वोंगली। अपने आप को नहीं मार सकता, दूसरों को मारना आसान है, खुद को मारना नहीं।
कोई भी अपने आप को नहीं मार सकता, नहीं। अभी कुछ ही मिनट बाकी है, काम नहीं हुआ तो धंधा का उसूल खराब हो जाएगा। वांगली, धंधे का उसूल तुमने तोड़ दिया है, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है और तुम अभी तक जिंदा हो। मैं समझा था तुम नशे में था, अभी तक तो नशा उतर गया होगा, लेकिन तुम तो अभी तक। कुछ लोग सांप के जहर से भी नशा करते हैं वांगली, मेरे सर पर अब तुम्हारी तबाही के जहर का नशा है। अब मेरी बात गौर से सुनो, किसी को अपाहिज करने के लिए जरूरी नहीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी जाए। चीन का एक पुराना नुस्खा है मेरे पास नस दबाकर अपाहिज करने का, और मैं तुम्हें ऐसे अपाहिज करूंगा कि तुम दूसरों का सहारा लेकर भी अपाहिज ही रहोगे। धमकी, वो भी वांगली को। धमकी नहीं दे रहा हूं वांगली, चेतावनी दे रहा हूं। ये वांगली की नहीं रणधीर की जबान है। मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूं, और ये तोहफा तुम्हें सारी उम्र याद दिलाता रहेगा कि तुमने रणधीर की बात टालकर अपने लिए बर्बादी के रास्ते खोल लिए हैं। नाउ वेट फॉर द सरप्राइज। शट अप, पागल हो गया है, मुझे सरप्राइज देगा। क्या सरप्राइज देगा वांगली को? सांप के दुम पे पैर रख दिया है रणधीर, मेरे भाई को मारकर तूने अपने लिए वो मौत मांगी है जिससे जमीन तो क्या आसमान का भी कलेजा फट जाएगा। तुम यहां? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं। शुक्रिया किस बात का? चिंगली को मारने का शुक्रिया। बरसों के बाद मैंने आंसू का सांस लिया है। तुमने मुझे आज चिंगली से आजाद करा दिया। तुमने मुझे चाइनाटाउन के गुलामी से आजाद करवा दिया। गुलाम से भी बदतर थी मेरी जिंदगी। गुलाम नहीं, रकेल थी, और तू जिसकी रकेल थी वो मेरा भाई था। वहां से हिलना नहीं रणधीर मेरा, आज तेरे सब पालतू कुत्ते मर गए हैं, कोई बचाने नहीं आएगा। नहीं, तेरा तो मैं मोम का पुतला बनाकर चाइना टाउन के चौराहे पे लगाऊंगा, ताकि फिर से कोई वांगली से गद्दारी ना करे। लेकिन पहले तेरे यार से तो निपट लूं। आज मैं इसे समझाऊंगा कि चीन का पुराना नुस्खा क्या है और किस नस को दबाने से क्या होता है। Thank you.
आप कैसी तबीयत है? ठीक हूं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह ना करती तो आपको कुछ हो जाता। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता। जिसकी अपनी उम्मीदें किसी लावारिश लाश की तरह जल चुकी हो, उससे तुम कोई उम्मीद ना रखना रीटा। मैं अपना सब कुछ जलाकर आ रहा हूं। आप इस आग में चलकर कुंदन हो गए हैं। चिंगली को मारकर और वांग को नीचा दिखाकर न जाने कितनी मासूम और बेबस लड़कियों की उम्मीदों की लाज रख ली है। मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी, ये जानते हुए कि वांग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोचा तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए अपने बेकार और कमजोर जिस्म को तुम्हारे आगे ढाल बना दिया मैंने। तुम बच गए, मेरे ख्वाब बच गए। अब वांग के हाथों मरने का मुझे कोई गम नहीं। मुझे कोई गम नहीं। रो मत रीटा, रो मत, नहीं तो सारे ख्वाब बह जाएंगे। खेल में हार जीत तो होती है जूनियर। नाराज होकर खेल का मजा खराब मत करो। मैं नाराज नहीं हूं अंकल, मैं तो ये सोच रहा था कि आप हमेशा कैसे जीतते हैं। मैं इसलिए जीतता हूं जूनियर कि मैं तुम्हारी तरह दिल से नहीं दिमाग से खेलता हूं, और तुम ये चाहते रहते हो कि कब तुम मेरे बादशाह को मात दो, और मैं ये सोचता रहता हूं कि मैं तुम्हें कैसे कमजोर करूं। अगर बादशाह को मारना हो तो उसकी ताकत को खत्म करो, 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 ताकत को खत्म करो। वांगले चेक। नक्शे को गौर से देखो, यह वो शहर है जहां अपने अपने इलाकों में तुम अपनी जान की सुरक्षा की कीमत वांगली को चुकाकर अपनी मनमानी का खेल खेलते रहे। नक्शा वही है, खेल वही है, लेकिन अब खेल का अंदाज अलग होगा। अब इन इलाकों की लकीरें मैं खींचूंगा, इनकी सरहदें मैं बनाऊंगा। ये इलाका तुम्हारा है टोनी, ये इलाका तुम्हारा है कालिया, और ये इलाका तुम्हारा है गुलखान, और ये टुकड़ा तुम्हारे लिए डिसूजा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं, मेरा कोई टुकड़ा बाकी के नक्शे में होगा ना? क्यों नहीं वांगली, क्यों नहीं, ये बाकी का नक्शा तुम्हारा है। थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना, वांगली वांगली है, ये सब मेरा है। मैं सिर्फ नक्शे की बात कर रहा था वांगली। इस टुकड़े को ले जाकर तुम अपने घर की एक ऐसी दीवार पर टांग दो जहां तुम्हारी नजर हर वक्त इस पर पड़ती रहे, और तुम ये सोचते रहो कि कहीं इत्तेफाक से या कहीं गलती से भी
तुम्हारा पैर रणधीर के इस इलाके में आ गया तो वो पैर कट जाएगा। बास्टर्ड। केस बहुत लेट हो चुका है, एबॉर्शन में खतरा है। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है लेकिन उसे इंजेक्शन से ज्यादा प्यार की जरूरत है। जी डॉक्टर। रणधीर ने मुझे विश्वास के आकाश पर बिठा रखा है। ममता और वचन की दोधारी तलवार पर कहीं भी चलूं, कटना तो मुझे ही है। तुम कुछ कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मैं उसे निराश नहीं कर सकती। मैंने रणधीर को वचन दिया है। मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते के सारे पुल जला दिए हैं रीटा। रीटा, मैं रिश्तों और नातों से भागना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। अपनी खुदगर्जी के लिए मैं एक हैवान बन गया था लेकिन मैं रिश्तों और नातों की जंजीरों में नहीं फंसना चाहता, इसलिए तुम ये बच्चा। मैं समझ गई रणधीर, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। नहीं तो। डॉक्टर ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। नहीं रीटा, गुनहगार तुम नहीं, मैं हूं। कोई अधिकार नहीं मुझे कि एक मां की ममता को मैं अपने गर्ज के लिए बलि चढ़ा दूं। कोई अधिकार नहीं है मुझे कि मैं तुमसे तुम्हारा सहारा भी छीन लूं। मेरा सहारा तो तुम हो रणधीर। वो तुम्हारा सहारा कैसे हो सकता है जो खुद दुश्मनों का निशाना हो। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रीटा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो रणधीर, तुम्हारी आई मुझे लग जाए। बस करो रीटा, बस करो। तुम्हारी मेहरबानी और एहसानों के पोछ तले कहीं मेरा दम ना निकल जाए। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। मुझे क्या मालूम, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। क्या हुआ? कह रहा कि आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम और ठंडी? अच्छी है लेकिन खा नहीं सकता। क्यों? तुम जो सामने बैठी हो शर्माता है। जरा नजदीक आइए। मैंने कहा जरा नजदीक आइए, थोड़ा और नजदीक आइए। अरे क्या करे, लोग देख रहे हैं। आइए ना, लो अब हाँ कीजिए। क्या हुआ? मैं समझी आप सुबह सुबह ही पी के आए हैं। अरे सनी कहाँ गया? हाय हाय, थैंक यू। बच्चा है ये, बच्चा है। देने गया था। तुम उसे जानते हो? वो इसकी टीचर है ना? झूठ, आपने ही बिगाड़ दिया है इसे। अरे जूनियर, तेरी वजह से तेरी माँ से क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं यार। इस उम्र में इसका ये हाल है तो आगे जाकर भगवान ही जाने क्या होगा। चलिए बिल लेकर आता हूँ। अबे अपनी माँ के सामने ये सब लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था जो जी मैं करो। मैंने बोला था।
चल मेरे बाप। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम डीएच है। अरे भाई, अब लगते तो हिंदुस्तानी हो लेकिन नाम बड़ा अजीब है। मेरी जिंदगी ही बड़ी अजीब सी है मिस्टर रवि कपूर। मिस्टर कपूर, क्या मैं आपके इस कपूत के, मेरा मतलब है सपूत के गाल को चूम सकता हूँ? जी बेशक। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है, आप जब चाहे इसे चुम सकते हैं। अरे मैं चुम तो इसे रहा था, लेकिन जगह वो थी जहां लव रीटा ने इसको चुमा था। व्हाट? माफ कीजिएगा कपूर साहब, मैं पिछले 8 साल से उस लड़की के पीछे पागलों की तरह भाग रहा हूं, लेकिन उसने आज तक मुझे घास नहीं डाली, और आपके इस शेर ने 2 मिनट में वो काम कर बताया जो मैं 200 साल तक नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या आपको फिर से चुमना है इसे? नहीं नहीं, क्या आप मुझे ये बच्चा आधे घंटे के लिए उधार दे सकते हैं? क्यों? मैं इसको अपना गुरु बनाकर ये तो सीख लूं कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अरे शाबाश मेरे शेर। अच्छा वो चलते हैं। मैं थियरी नहीं प्रैक्टिकल सीखना चाहता हूँ। काश ये बच्चा मुझे आधे घंटे के लिए उधार मिल जाता, मैं भी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कपूर साहब, सानी प्लीज चीयर अप। तुम बॉम्बे जा रहे हो और मुझसे कह रही हो चीयर अप? तो क्या करूं सानी, डैडी ने बुलाया है, ना जाऊं? हाँ तुम मत जाओ। डैडी की बात टाल दो, क्या तुम अपने डैडी की बात टाल सकते हो? तुम्हारे बगैर ये जगह मेरे लिए जहन्नुम बन जाएगी। सनी, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं जा सकूंगी। प्लीज सनी। मैं क्या करूं, मुझे तो रोना आ रहा है। सनी प्लीज सनी। EWA फ्लाइट 45791 टू बॉम्बे इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड। अच्छा, देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। हाँ रखोगे ना सनी? Sunny, I miss you. Bye. I love you, Madhu. I love you. Junior, thank you. आप हमेशा उस वक्त आते हैं जब मुझे आपकी सख्त जरूरत होती है डैडी। अरे आएंगे क्यों नहीं, हम अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन ये क्या बेटा, तुम मर्द हो और मर्द कभी रोया करते हैं? हा? रोते हैं। अरे कपूर साहब, मर्दों का एक ब्रांड ऐसा भी होता है जो रोते हैं। आप क्या जाने कपूर साहब, आपका बेटा बहुत जज्बाती है मेरी तरह। मिस्टर डीएच, आप यहां भी मौजूद हैं? अरे मैं आपके लाल की परछाई हूं, इतने बरसों से मैं इसका पीछा कर रहा हूं और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं यहां हूं? अरे मैं कहां कहां नहीं हूं। अरे आपको मिलता क्या है? अरे मैं रिसर्च कर रहा हूं इश्क पर। आपका बेटा मेरा गुरु है, एक दिन मैं भी लव रीटा से। कपूर साहब, आपका बेटा, आप मुझे आधे घंटे के लिए उधार नहीं दे सकते? अरे भाई 24 घंटे तो आप इसके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ। आधा घंटा लाऊं कहां से? नहीं नहीं, और कोई दूसरा आधा घंटा नहीं है। ठीक है ठीक है, जाता हूं। अरे अब तो चेहरा ठीक कर ले, माँ देखेगी तो क्या कहेगी? वो चली गई डैड। अरे बंबई गई है ना, जब जी चाहेगा हम भी उड़कर पहुंच जाएंगे बंबई। क्यों? ताली भी गया, आखिरी हथियार भी चला गया। तू ये खेल जो मेरे साथ खेल रहा है वो एक न एक दिन जरूर पलटेगा।
बोंगली ड्रैगन बनकर अपने अंदर की सारी आग एक दिन रणधीर तेरे चेहरे पे उगल देगा। बोंगली का भी टाइम आएगा। काम हो गया बाबा, मैंने उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तुम जाओ। करो रीटा बस, कितनी बार मना किया है ये समझ क्या करो। कोई जंग जीत कर नहीं आया तुम्हारा बेटा। आया तो जंग के मैदान से ही है रीटा। मैं माँ हूँ, इकलौती औलाद है वो मेरी, उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करना क्या एक माँ का अधिकार नहीं है? अपने अधिकार का तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो तुमने बना दिया है अपनी जिंदगी का, एक माँ की ममता का, अपनी औलाद के भविष्य का। उसने खुद चुना है अपना भविष्य। तुम्हारी शिक्षा कमजोर थी, उसकी तकदीर खराब थी, और तुमने उसकी तकदीर सवारने के लिए उसकी जिंदगी के हर रास्ते को अपनी कमजोर और गुजरती हुई उम्र के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, और वो है गुनाह का रास्ता। तुमने तो कमाल कर दिया रणधीर। वाह वाह रे अपने बेटे के तकदीर के विधाता बाप। क्या जन्म कुंडली लिखी है अपनी औलाद की। तुमसे बड़ा पंडित तो मैंने आज तक नहीं देखा। पंडित दीनदयाल शास्त्री कल तक सेठ महेंद्र प्रताप जिनको अपने ठोकरों पर रखता था, आज वही उसकी छाती पर चढ़कर उसके चेहरे पर थूक रहे हैं और तुम तमाशा देख रहे हो। मैं पंडित जरूर हूं मगर भगवान नहीं। ज्योतिष विद्या का एक मामूली सा छात्र होने के नाते जो देखता हूं और जानता हूं वही बताता हूं। मैंने बताने के लिए नहीं, उपाय के लिए पूछा है पंडित। मेरा कारोबार ठप हो रहा है, ये बिल्डिंग एक साल से यूं ही खड़ी है सिर्फ एक मामूली दस्तखत के लिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए। मैं तो कालचक्र देख रहा हूं सेठ जी, समय को रोकना मेरे बस में नहीं है। कल तक जो सितारे जो ग्रह आपकी कुंडली में दोस्त बनकर बैठे थे वही आज आपके सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं। आपको इस समय का फल भोगना ही पड़ेगा सेठ जी। नहीं पंडित नहीं, मैं इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं हूं। अगर मेरी तकदीर के सितारे खराब हैं तो मैं किसी दूसरे की तकदीर से जीऊंगा, लेकिन अपना सब कुछ मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। इससे पहले कि यह सब खत्म हो जाए मैं अपना कारोबार अपनी जायदाद अपना सब कुछ अपने पोते सनी के नाम कर दूंगा। तुम सनी की कुंडली का हिसाब लगाओ। सनी की कुंडली तो किरण बेटी ने आज तक बनने ही नहीं दी सेठ जी, इसलिए ढंग से बताना जरा मुश्किल होगा। मुसीबत तो यह है कि मुझे सनी की पैदाइश की जगह मालूम है, तारीख मालूम है, दिन मालूम है, लेकिन लेकिन वक्त मालूम नहीं है। शायद इसलिए कि मेरा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन रवि, हेलो हेलो अंकल, सनी का जन्मदिन मुबारक हो। कहाँ है सनी? माँ के साथ नई कार देख रहा है, प्रेजेंट दी है उसे। अच्छा अच्छा बेटे, ये सनी कितने बजे पैदा हुआ था कुछ याद है तुम्हें? जी हाँ याद है, सुबह 3:40 पर 28 जून 1973। क्या पंडित? बात कुछ ठीक नहीं है सेठ जी। पंडित तुम हमेशा सीधी बातें करते हो, फिर आज पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सेठ जी 28 जून 1973 के हिसाब से सनी की उम्र इस वक्त 21 साल की हो गई। हाँ तो
ये 22वां साल सनी के लिए बहुत ही बुरा है सेठ जी। उसकी जान को खतरा है। पंडित, कुंडली कुछ और भी बता रही है सेठ जी। क्या? कुंडली कहती है कि सनी, तुम रुक क्यों गए? तुम कहना क्या चाहते हो? बुरा मत मानिएगा सेठ जी, मेरी कुंडली का हिसाब कहता है कि सनी रवि की औलाद नहीं हो सकती। शास्त्री, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी बदचलन है? मैं किरण बेटी के चलन की बात नहीं कर रहा हूं सेठ जी, कुंडली के चलन की बात कर रहा हूं। लेकिन रणधीर में बुराई क्या है? मैंने उसके सुख और दुख में साथ देने का वादा किया है। कुंडली का हिसाब कहता है कि सनी रवि की औलाद नहीं हो सकती। रणधीर के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं किरण बेटी के चलन की नहीं, कुंडली के चलन की बात कर रहा हूँ सेठ जी। झूठ बोलता है पंडित। ये पंडित कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। पंडित दीनदयाल शास्त्री। आओ दीनदयाल शास्त्री। रात के 2:30 बज रहे हैं सेठ जी। मेरे लिए तो दिन और रात दोनों ही काले हो गए हैं। उजाले तो तुम्हारे ग्रहों ने छीन लिए हैं। ग्रह तो मेरे नहीं है सेठ जी, मेरे बस में तो। झूठ मत बोलो पंडित। सारी जिंदगी तुम मुझे अपनी उंगलियों के इशारों पर कठपुतली की तरह नचाते रहे। आप तो खुद मेरे इशारों पर नाचना चाहते थे, तो अब तुम मेरे इशारों पर नाचोगे पंडित दीनदयाल शास्त्री? मुझे मेरी मुसीबतों से छुटकारा दिलवा दो। सेठ जी, मैं होने को टाल नहीं सकता। मेरी बर्बादी का तमाशा मत देखो शास्त्री, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं। मेरे खानदान को तबाही से बचा लो, मेरे पोते की जिंदगी को बचा लो, मेरी बेटी की इकलौती औलाद को बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तुमने एक मामूली से क्लर्क को इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। तुमने एक मामूली से इंसान को इतनी दौलत, इतना नाम दिया। तुमने मुझे फैक्ट्रियां, बिल्डिंगें, इतनी सारी जायदाद दी। तुमने मुझे दुनिया का सब सुख दिया। आज मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन ना तो मैंने कुछ दिया है और ना ही मैं कुछ ले सकता हूं। सेठ जी, ये सब तो भगवान की लीला है। ये दुनिया एक शतरंज है और हम सभी मोरे। अपना अपना कर्तव्य निभाकर हम सभी को एक बार इस पथ से जरूर गुजरना है। दिन के उजाले के बाद रात का सामना भी आप ही को करना होगा। तो ये सब कुछ पहले तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों देते रहे झूठी तसल्लियां? क्यों बताते रहे मुझे तुम सब कुछ? क्योंकि आप खुद ही सब कुछ जानना चाहते थे सेठ जी। किसी ने ठीक ही कहा है, सिर्फ उतना ही जानो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मैं तो समझता था तुम मेरी तकदीर के विधाता हो, जब चाहो सब कुछ बदल सकते हो, मेरी तकदीर भी। नहीं सेठ जी, मैं तकदीर का लिखा जरूर पढ़ सकता हूं, लेकिन उसे बदल नहीं सकता, होनी से लड़ नहीं सकता। सेठ जी, सेठ जी, कोई है? सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी, कोई है? सेठ जी, सेठ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। He'll be all right. मिस्टर मेहता, अब सेठ जी की बेटी और दामाद को फौरन बुला लीजिए। क्यों? बुला ले तो अच्छा होगा, सेठ जी का आखिरी वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि खतरा। डॉक्टर आओ। डॉक्टर, पेशेंट इज सिंकिंग।
वेलकम होम बेटा, वेलकम। कैसा लगा फार्म हाउस? बोरिंग। बोरिंग? और क्या, वहाँ पेड़ पौधों की सुनाई था क्या? कमाल है। अरे भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी वहाँ सहेलियाँ भी तो थी। हमने तो बहुत कोशिश की थी अंकल, मगर मधु का दिल बिल्कुल भी नहीं लगा। अरे हाँ मधु, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे लिए कई फोन आए। सनी नाम था उसका। सनी? कह रहा था आज ही बम्बई आया हूँ, उसका नंबर तुम्हारे टेबल पर लिखा हुआ है। ओह थैंक यू पापा, थैंक्स अ लॉट। पिक अप, ओह गॉड, पिक इट अप। हेलो सनी है जी? बहुत चले गए। कहाँ चले गए? अब ये हमको नहीं मालूम। फोन बंद कर दिया ब्लडी फूल। कहाँ चला गया होगा सनी? आप क्या ऑर्डर देना पसंद करेंगे सर? आप मेरे ऑर्डर पर क्या क्या कर सकते हैं? आप जो कहेंगे वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे सर। तो फिर मैं आपको ऑर्डर नहीं देता सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, वो जनाब जो उस टेबल पर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, उन्हें जाकर कहो कि क्या वो मुझे अपना बेटा आधे घंटे के लिए उधार दे सकते हैं? मैं समझा नहीं सर। इसमें ना समझने की कौन सी बात है, मैं संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। सामने जो टेबल पर साहब अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं ना, वो तो मैं समझा साहब, मगर ये उधार वाली बात। तुम्हारी होटल में भेजा है जी? कच्चा जी? तो दो लेकर आओ, एक तुम खाओ एक मैं खाता हूँ, समझे? मेरी बात को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता, मेरी कोई मदद क्यों नहीं करता? हाँ लेकिन मेरी कोई मदद कर भी नहीं सकता है इस कपूर के बेटे सनी के सिवा। क्या छोकरे में जादू है, जिस छोकरी को चाहता है उसे पटा लेता है। ए, तुम जाओ, पर्सनल बात है। काश कपूर साहब मुझे अपना बेटा आधे घंटे के लिए उधार दे दे, तो दो तीन तरीके मैं भी सीख सकता हूँ। आज फुल एंड फाइनल बात करनी ही पड़ेगी। गुड इवनिंग कपूर साहब। कपूर साहब, क्या मैं इतना कड़वा हूँ कि मुझे देखते ही सूप थूक दिया, या सूप में मक्खी थी? मक्खी नहीं, मधुमक्खी है आप। कपूर साहब, मक्खी कहा मधु को? अरे आप जा कर रहे हैं, बैठिए ना, कुछ खा पी कर जाइए। नहीं नहीं, मैं तो आप लोगों की प्लेटों में जो बचा होगा उसे चाट लूंगा, लेकिन कपूर साहब आप मुझे अपना बेटा आधे घंटे के लिए। अरे आधे घंटे के लिए क्यों, आप इसे जिंदगी भर के लिए ले जाइए। सच? हाँ। वेरी गुड। ए वेटर, मेरे लिए भी एक मक्खी का सूप लाओ। क्या हुआ? वो मक्खी, मधुमक्खी। अपने सनी की मक्खी। अरे तुम बगैर बताए चली आई, कौन है वो लड़की? मक्खी, मधुमक्खी। इसका मतलब है मधु। क्या करती है? पढ़ती है। कब से जानते हो उसे? यही कोई 8 साल से। सवाल मैं इससे कर रही हूँ, जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसलिए कि जितना ये जानता है उतना हम भी जानते हैं। किसकी बेटी है? अपने बाप की। मैंने पूछा उसका बाप कौन है। मैं बाप जरूर हूँ, मगर मैंने इसे माँ बनकर भी पाला पोसा है। हमेशा इस बात का ख्याल रखा किसी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन आज आपके पास आके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बिटिया रानी कितनी जवान हो गई है। गुड़ियों से खेलने वाली मधु बिटिया के लिए गुड्डे की तलाश है मुझे। चलिए, आपकी मुश्किल हम आसान किए देते हैं। आप हमें अपनी गुड़िया दे दीजिए और हमारा गुड्डा आप ले लीजिए। कपूर साहब, कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? शादी की तो कोई जल्दी नहीं है, हम तो सिर्फ इनकी मंगनी करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। हुजूर, मुंह मीठा करके चलो भाई, चलो। चलिए। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। तुम्हारा इस्तीफा है, इस पर दस्तखत करो और अपनी तनख्वाह लेकर यहां से चले जाओ। लेकिन सेठ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है?
पिछले 15 दिनों से मैं लगातार चीफ इंजीनियर के दफ्तर जा रहा हूं। उसने फाइल पर साइन नहीं किए और नौकरी से आप मुझे निकाल रहे हैं। क्योंकि अब जो भी तुम काम करोगे तुमसे होगा नहीं। पंडित जी ने कहा कि तुम हमारे लिए अनलकी हो। अनलकी? और मैं? सेठ जी, कल तक आपकी कंपनी का हर काम मेरे हाथों से होता था। टेंडर मैं भरता था, लोगों से मैं मिलता था, फाइलें मैं साइन करता था, और आपका दिन मेरे नाम से शुरू होता था और मेरे नाम से खत्म होता था। होता था, अब नहीं होगा। दस्तखत करो और 22 इतिहास से चले जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें दफ्तर से बाहर निकाल दूंगा। ये नाइंसाफी है सर, मेरी मां बीमार है, मेरे बाप की आंखों की सारी रोशनी मेरी जिंदगी को रोशन करने में खत्म हो गई। सेठ जी, मुझ पे रहम कीजिए। मैंने कहा ना कि पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे सितारे अब ठीक नहीं है। बस सेठ जी, बस मेरे सितारे ठीक नहीं है ना, मैं मनहूस हूं ना सेठ जी। अच्छा सिला दिया आपने मेरी मेहनत और वफादारी का। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन इस दिन को कभी भूलूंगा नहीं। चल मधु। सोनी साहब, क्या हुआ? हुआ तो बहुत कुछ था कपूर साहब, लेकिन अफसोस, ना तो सुनाने के लिए सेठ जी जिंदा है और ना ही मेरे पास वक्त है। अगर फिर भी जानना जरूरी हुआ तो आप सेठ जी के चहेते पंडित से पूछ सकते हैं। हेलो, मधु है? जी हाँ। गोविंद जी, फोन किसका है? बेबी का। मुझे दो। हेलो। हेलो अंकल, मैं सनी बोल रहा हूँ। क्या मैं मदद से? हेलो, मैं सनी। मधु कहाँ है? सनी, तुम यहाँ? कोई मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देता? इसलिए कि तुम इस काबिल नहीं हो। अंकल, आखिर ऐसी कौन सी भूल हो गई हम लोगों से? ये बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक असलियत का पता नहीं चलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो सनी। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ये घर है सनी, किसी बाजार का चौराहा नहीं। आवाज धीमी रखो और यहां से चले जाओ। नहीं, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं मधु से। रुक जाओ सनी, मैं अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहता। मधु, अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ मधु, तुम्हें मेरी प्यार की कसम। फेंक दो इसे, फेंक दो इसे, नहीं, फेंक दो बाहर, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, नहीं। इज्जत और शराफत की बात कर रहे थे आप, लेकिन लगता है इन शब्दों के माने आपको मालूम नहीं। इस वक्त मैं आपके घर में नहीं, सड़क के इस चौराहे पे हूं। आप ही ने मुझे इस चौराहे पर ला खड़ा किया है। मैं मधु से प्यार करता हूं। आई लव मधु। मधु भी मुझे प्यार करती है। हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई बहुत कम इज्जतदार। जवाब क्यों नहीं देते? कैसे लगी ये चोटें? मोटरसाइकिल से गिर गया था, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, कैसे परेशान ना हूं? क्यों इसकी साइड लेते हैं आप हमेशा? क्यों मान लेते हैं इसकी हर जिद? जिद? मोटरसाइकिल खरीदने की क्या जरूरत थी? जानते नहीं कितना राशन लाता है। हाँ,
चलाता तो बहुत रैश है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा इससे। कितनी बार कहा है कि आराम से चलाया करो, क्या जरूरत है जल्दबाजी करने की? हाँ जाओ जाकर आराम करो। तुमने ठीक नहीं किया राजी सोनी। तुम? हाँ मैं। बेटे के हाथों कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुम पूरी करने आए हो? कसर तो आपने नहीं छोड़ी थी मिस्टर राजीव। क्यों तुम सब मिलकर मेरी इज्जत के पीछे पड़े हो? आपकी इज्जत तो हमारे घर की आबरू है सुनी साहब, वरना जो सलूक आपने मेरे बेटे के साथ किया है उसका हिसाब अब तक हो गया होता। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बाप को जो हमारे बुजुर्गों की किसी गलती का बदला अपनी ही औलाद से ले रहा है। यह मेरा जाती मामला है और मैं अपने जाती मामलों में परायों का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पराया होता तो इस घर की चौखट पर कदम रखने से पहले दरवाजे पर दस्तक देकर आपकी इजाजत से इस घर में दाखिल होता। मैं तो प्यार और अपनी औलाद की मोहब्बत का जज्बा लेकर आया हूं। सोनी साहब, मैं उस रिश्ते की दौर से बंधा चला आया हूं जिसमें हमारी संतान ने हमें बांध दिया है। मधु को मैंने अपनी औलाद की तरह चाहा है। मधु से शादी करना सनी का ख्वाब ही नहीं बल्कि मेरा फैसला भी है। लोगों को कई बार बता चुका हूं। पहली बार जब मैं आपके घर आया था, दूसरी बार जब आपके बेटे ने फोन कर करके हमारा जीना हराम कर दिया था, तीसरी बार जब मेरी इज्जत घर पर नीलाम करने आया था तो मेरे नौकरों ने इसे मार मार के सड़क के चौराहे पर फेंक दिया था। वजह इसके बाप को भी बता चुका हूं जो इसकी वकालत करने मेरे घर पर आए थे। आज एक बार फिर और आखिरी बार आपसे कह रहा हूं मिसेस रवि कपूर, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, न किसी पर कीचड़ उछालता हूं और ना ही खुद कीचड़ में पांव रखता हूं। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, लेकिन लगता है आपके पति मिस्टर रवि कपूर को अपने इकलौते बेटे की जिंदगी प्यारी नहीं। सनी को चोट कैसे लगी थी रवि? वो मोटरसाइकिल से गिर गया था। वो मोटरसाइकिल से नहीं गिरा था, वो गिर गया था तुम्हारी ममता और मोहब्बत की उस खोखले मीनार की ऊंचाई से जिसकी बुनियाद में सौतेलेपन की सूखी हुई रेत के सिवाय कुछ नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सौतेलेपन का या फिर सूखी हुई रेत का? दोनों का। जिस तरह सूखी हुई रेत मुट्ठी से फिसल जाती है उसी तरह सौतेले दिल से निकल जाते हैं। पति होने से पहले तुम मेरे दोस्त थे रवि, तुम्हारी दोस्ती ममता की तराजू में कम क्यों पड़ गई? सोनी और उसके आदमियों ने मेरे बच्चे को मार मार कर बेहाल कर दिया और तुम खड़े हुए तमाशा देखते रहे, इसलिए कि सनी तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए कि सनी तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है, इसलिए कि सनी रणधीर की औलाद। तुमने मुझसे ब्याज से तरस खा के किया है। तुम तो मेरी रखवाली ऐसे कर रहे हो जैसे जैसे कोई किसी उजड़े हुए घर की चौकीदारी करता हो। तुम्हें सनी से नफरत है, तुम्हें मुझसे नफरत है, बल्कि उस कोक से नफरत है जिसने सनी को जन्म दिया। इसीलिए तो आज तक तुम्हें अपनी
औलाद की जरूरत महसूस नहीं हुई। अपनी औलाद की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी मुझे कि कहीं सनी का प्यार ना बन जाए, कहीं सनी अपने ही घर की छत के नीचे अपने आप को अजनबी महसूस ना करने लगे। लेकिन आज आज मैं खुद इस घर में अजनबी बन गया हूं। सगों ने मिलकर सौतेले को एक नासूर भरे अंग की तरह काटकर कितनी आसानी से अलग कर दिया। सनी के पैदा होते ही अगर मैंने अपना ऑपरेशन न करवाया होता तो शायद आज इस घर में मेरा भी कुछ सगा होता जो मुझे तुम्हारी तरह जीते जी न मार देता। मरने के बाद मेरी चिता को आग तो देता। जी नहीं सकता। सनी, I love you मधु, I love you मधु। मधु, सनी, सनी, I love you। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी, सनी। सनी, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मधु, तुम्हें इस तरह छोड़ के मैं जा। तुम्हें मेरी कसम, चले जाओ, प्लीज। परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है सोनी साहब। इस वक्त तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने मुझे अवतार बनाकर आपके पास भेजा है। सोनी साहब, बुजुर्गों ने कहा है कि इज्जत एक नाजुक सा कांच है, चटक गया तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। मतलब ये कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और फिर भला जो काम दूसरे से कराया जा सकता है उसको खुद करके क्या फायदा। मतलब ये है सोनी साहब कि जिसका काम उसी को साजे। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का सोनी साहब? भाई आपने तो काम की कीमत चुकाई है। घर जाइए और आराम से चादर तान कर सो जाइए। आप कोई आपकी रातों की नींद हराम करने नहीं आएगा। अच्छा, मैं चलता हूं सर। ए, सस्पेंस क्या है? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। परसों पहले की वो रात याद करो वांग। चाइना टाउन, ड्रैगन हाउस। क्या मतलब? मतलब ये तस्वीर नहीं, हुक्म का इक्का है जो कुदरत ने मेहरबान होकर तुम्हारी झोली में डाल दिया है। नहीं, फिल्म में नहीं, ट्रेलर में बात कर। वांग, जिस लड़के की तुमने सुपारी ली है वो रणधीर मेहरा का बेटा है। झूठ बोलते हो तुम। रणधीर मेहरा का एक ही बेटा है और उसको मैं उतना ही जानता हूं जितना के रणधीर मेहरा को। ये उसका बेटा नहीं है। ये रणधीर मेहरा की वो नाजायज औलाद है जिसके बारे में रणधीर मेहरा खुद भी नहीं जानता। रणधीर मेहरा ने शादी बेशक किसी और से की हो लेकिन प्यार सिर्फ एक औरत से किया है और ये
उसी प्यार की निशानी है। सच आज किस्मत वांगली पर बहुत मेहरबान है। आज मैं रणधीर के बेटे को मारकर चिंगली की मौत का बदला लूंगा। बहुत हल्का सौदा कर रहे हो। हाँ, अपनी इज्जत, अपना धंधा और चाइना टाउन, ये सब वापस नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं सपने नहीं देखता। और ये लड़के को मारकर ये सब कैसे मिलेगा? मैंने तुमसे कब कहा कि उस लड़के को तुम मारोगे? हाँ? नहीं मारना है तो ये सुपारी तुम मारोगे उसे? नहीं वांग, उसे उसके बाप रणधीर के हाथों मरने दो। तुम ये सुपारी फिरा डालो। खेल समझ में नहीं आया? खेल? कोई खेल नहीं बाबा, धंधा। गिरगिट कितने भी रंग बदले, हमेशा गिरगिट ही रहता है। उस शतरंज पर कभी खेलने की कोशिश मत करना जिस पर हमेशा मैंने तुम्हें मात दी है। वांगली तो एक हारा हुआ सिपाही है बाबा, तुमने वांगली का पूरा खून निचोड़ दिया है। तुम्हारी रगों में खून नहीं, जहर है वांगली। तुम्हें अभी तक जिंदा रखकर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं तुम्हारी रगों से जहर का वो आखिरी कतरा ना निकाल लूं। वांगली के हाथ में अब ताकत नहीं रही है बाबा, बहुत कमजोर हो गया है। उसमें अब इतना हिम्मत नहीं जो तुम्हारे पे हाथ डाले। ये लो। इसमें तुम्हारा सुपारी नहीं है बाबा, और ना ही मेरी मां समान भाभी जी का, और ना ही मेरे कलेजे के टुकड़े सुनील का। बाहर का सुपारी है, प्रॉमिस। ये तुम्हारा स्टाइल है, याद है ना? 20 साल पहले ये राखी तुमने हमारा बाजू पे बांधा था, ये हमने संभाल के रखा था। वांगली तुमको 24 नहीं 48 घंटे देता है रणधीर बाबा। ठीक है वांगली। गुड, लोगों का दोस्ती काम आता है, हमारा दुश्मनी काम आ गया है ना बाबा? सुपारी लेकर पलटना धंधे का उसूल नहीं है। नाम आता पता। 48 घंटे 24 घंटे आराम से मारो, पर मारो डेफिनेट। हो सकता? ये मैंने क्या कर दिया भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या? हां कपूर साहब, मुझसे भूल हो गई। मैं गुस्से में पागल हो गया था, अपनी औकात से गिर गया था। भगवान के लिए सनी को बचा लीजिए, अपने बेटे को बचा लीजिए। तो वो बाप तुम हो? जी हां, मैं ही उसका बाप हूं। बाप है तो क्या समझा, बाप का राज हो गया? मैंने बुलाया था सोनी को, वो खुद आया था मेरे पास इधर, उसने मुझे सुपारी दिया था, और अब बोलता है कि छोड़ दूं, अगर मैं नहीं मारूंगा तो वो खुद उसे मारेगा। वो तो गुस्से में कह दिया था सोनी साहब ने, थोड़ी सी नाराजगी थी, खत्म हो गई। अब हमारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन मेरी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपकी क्या दुश्मनी है उससे? बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आप वो रुपए रख लीजिए, चाहिए तो मैं आपको और भी रुपए दे सकता हूं, लेकिन
लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी को पुराने ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह बज रहे हो। कान खोल के सुन लो, अगर सुपारी ली है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वंगली, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट? वांगली का रिपोर्ट करेगा? जाओ करो रिपोर्ट। तुम जितना लंबा रिपोर्ट करेगा वांगली, उतने छोटे टुकड़े तुम्हारे बेटे के करेगा। वांगली, चिल्लाओ मत, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है। चले जाओ ना, धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। पुलिस में रिपोर्ट करेगा। ब्रिज, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा, ब्रिज। जानते हो ब्रिज का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? पुल। रणधीर मेहरा ने मेरे और उसके दरमियान काई को दी थी। उसने सोचा ना वो मेरी तरफ आ सकता है ना मैं उसकी तरफ जा सकता हूं। लेकिन एक बेवकूफी की रणधीर मेहरा ने पुल वो मेरी तरफ छोड़ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। यू बास्टर्ड! यही है वो आदमी। सीधे नहीं, राइट चलो। क्या है सब? बकवास की तो भेजा उड़ा दूंगा। गाड़ी चलाओ। लेकिन कहां? राइट। तो मुझे कहां ले जा रहे हो? लेफ्ट। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राइट। अगर वांगली को पता चल गया तो? वांगली मुर्दों की भाषा नहीं समझता। गाड़ी रोको, चलो उतरो। बता मेरे बेटे से तेरी क्या दुश्मनी है? मेरी कोई दुश्मन नहीं, दुश्मनी वांग की है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। मेरे बेटे से? नहीं, रणधीर से। कौन रणधीर? वही रणधीर जो आपकी बीवी किरण से शादी करना चाहता था। मैं किसी पंडित की भविष्यवाणी को नहीं मानता। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं इस बच्चे की रक्षा मैं करूंगा। रणधीर ने वांग के भाई की जान ली थी और आज आज वांग ने वही सुपारी घुमा दी है ताकि रणधीर अपने हाथों अपने बेटे की जान ले सके। रवि, ये वो जगह है किरण जहां से शरीफ लोग अपना दामन बचाकर निकलते हैं ताकि उनके कपड़े मैं लेना हूं। हैरत की बात है, एक पति अपनी पत्नी को आज ऐसी जगह लेकर आया है। दामन उजला हो या मैला, आज मकसद तो भीख मांगने से है किरण। न चाहते हुए भी मैं तुम्हें इसलिए यहां लाऊं कि कहीं मेरी झोली छोटी ना पड़ जाए। बहुत पहेलियां होगी रवि, तुम मुझसे कुछ छुपाते हुए भी छुपा नहीं पा रहे हो। ऐसा कौन सा कड़वा सच है जो तुम सुनाने के बजाय मुझे दिखाने पे तुले हुए हो? आओ मेरे साथ। इन सीढ़ियों को देखो किरण, वादा करो इन पर चढ़ते हुए आज तुम डगमगाओगी नहीं। वादा करो आज तुम थकोगी नहीं। वादा करो आने वाले हर तूफान का सामना करोगे, क्योंकि आज ही ये सीढ़ियां तुम्हारी ममता का इम्तिहान लेने वाली है। किरण, तुम कहना क्या चाहते हो रवि? जो तुम सुनना चाह रही हो किरण, वो सुनाने के लिए ना तो मेरी जबान में इतनी शक्ति है
और ना ही किसी माँ की छाती में इतनी बर्दाश्त। मेरे सनी को क्या हुआ है? सनी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेकिन क्या लगता है बरसों पहले किसी पंडित की हुई भविष्यवाणी आज? नहीं रवि, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैंने मैंने तो सनी को तुम्हारे लिए जन्म दिया था। तुमने तो सनी की रक्षा करने का वादा किया था। तुमने तो कहा था कि पंडित झूठ बोलता है। तुमने कहा था कि सनी तुम्हारी औलाद है। तुम उससे तब प्यार करते थे रवि, तुम उससे नाराज क्यों हो गए? मैं सनी से नाराज कैसे हो सकता हूं किरण? वो तो मेरी जान है। लेकिन आज आज कोई मेरी जान की जान का दुश्मन हो गया है। सनी की जान का दुश्मन कौन है? मेरी सनी की जान का दुश्मन रणधीर, रणधीर मेरा। ठीक 22 साल के बाद अपने हाथों से अपनी संतान की हत्या करेगा। ठीक 22 साल के बाद अपने हाथों से अपनी संतान की हत्या करेगा। ठीक 22 साल के बाद अपने हाथों से अपनी संतान की हत्या करेगा। किरण, किरण, आइए बैठिए। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे बेटे की जिंदगी की जो भी कीमत मिली होगी आपको, उसके बदले में आपको मुंह मांगी रकम दे सकता हूं। अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना घर बार, सब कुछ लिख कर दे सकता हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जानी चाहिए ना। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज, मैं अपनी जबान दे चुका हूं। रणधीर मेरा, मैं भी तुम्हें जबान देता हूं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे जूनियर का बाल भी बांका हुआ तो। जूनियर, 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 अगर मेरे बच्चे का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? मार ले, जी भरकर मार ले। आज मैं तेरी हर मार खा लूंगा, हर चोट सह लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बच्चे को। बेटे के साथ अपनी मौत भी मांग ली तूने? रणधीर मेहरा। किरण तुम और यहां? हां मैं यहां, और ये शख्स जिसका खून बह रहा है ये मेरा पति है। इसका दोष सिर्फ इतना है कि ये अपना खून बहा रहा है तुम्हारे खून को बचाने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस सनी को तुम मारने जा रहे हो वो तुम्हारा अपना बेटा है। झूठ, झूठ है ये। झूठ नहीं, सच्चाई है ये। मैंने औलाद की खातिर मां को बिकते हुए जरूर देखा है, लेकिन इतना गिरते हुए नहीं देखा। रणधीर चिल्लाओ मत, चिल्ला कर तुम झूठ को सच साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि यूं कहो कि तुम्हारी मजबूरी और वक्त आज तुम्हें रणधीर मेहरा की चौखट पर लेकर आया है। वक्त हमें रणधीर मेहरा की चौखट पर नहीं लाया रणधीर, बल्कि वक्त हम सबको तकदीर की चौखट पर लाया है।
ये किस्मत का ही खेल है कि मैं एक पति किसी के सामने अपनी पत्नी की सफाई पेश कर रहा हूं। जिस औरत को तुम इल्जामों की सूली पर चढ़ा रहे हो, उस औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उस पंडित की बात मान ली थी जिसका कहा कभी झूठ नहीं हुआ था, जिसकी कही हर बात पत्थर पर लकीर थी। उस पंडित ने जब तुम्हारी जन्म कुंडली देखकर किरण से यह कहा कि जिस शख्स के साथ तुम शादी करने जा रही हो वो शख्स ठीक 22 साल के बाद अपने ही हाथों अपनी औलाद का खून कर देगा, तो क्या करती ये औरत? ना चाहते हुए भी इसने मुझसे शादी कर ली, ये सोच के कि इसने तुम्हारे साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। लेकिन कुदरत से जुड़ा हुआ रिश्ता ये न तोड़ सकी। रवि के प्यार और मोहब्बत में सनी कैसे बड़ा हुआ, कब उसकी जिंदगी के 21 साल गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हारे घर की 21 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई। रणधीर, पंडित का कहा आज सच बनकर मेरे सामने खड़ा है, तुम उसे मार डालोगे रणधीर, तुम उसे मार डालोगे? नहीं, ये मैंने क्या किया? मैंने, मेरे आदमी तो उसे मारने के लिए जा चुके हैं। क्या? उसे कुछ नहीं होगा रवि। जो उसे मारने गया है उसका निशाना कभी नहीं चूकता। आज सारे निशाने चूक जाएंगे। नहीं, उसके हाथों बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सनी को कुछ हुआ तो सिर्फ तुम्हारे हाथों होगा रणधीर। मेरे सनी की जिंदगी तुम्हारे हाथों की मोहताज है। तुम्हारे इन्हीं हाथों में मेरे बेटे की जिंदगी है। मुझे ये हाथ दे दो रणधीर, मुझे ये हाथ दे दो। कुछ हुआ तो नहीं? होगा कैसे, तू मरेगा तो मरेगा ना। तो हरामजादे, ये सब तुम्हारा खेल था? तुमने तो सिखाया था ये खेल। 48 घंटे हो गए, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। कुत्ते, धंधे का उसूल मत बोलो रणधीर। एक दिन तुमने हमारे भाई का डिलीवरी दिया था, आज हम तुम्हारे बेटे का डिलीवरी देगा। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी मेरे जूनियर कपूर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे छुआ भी ना तो जला कर राख कर दूंगा। वक्त पलट गया रणधीर, एक दिन तुमने हमारा सब कुछ तबाह किया था, आज हम तुम्हारी लंका को जला देगा। मेरी लंका जलाना इतना आसान नहीं है वोंग। उसे जलाने के लिए पवन पुत्र हनुमान का कलेजा चाहिए। बोलता था टाइम आएगा, टाइम आ गया। आज शहर के सबसे बड़े डॉन का पूरा खानदान वोंगली के चूहेदान में बंद है। अब खेल शुरू होगा, वोंगली का खेल। ये अपने बाप के हाथों मरेगा। नहीं, ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। और ये दोनों, इन्हें कौन मारेगा? गुरखान तुम मारोगे इन्हें या दूसरा तुम
या शंकर पांडे तुम, या गुरु भाई तुम मारोगे इन्हें, या फिर मैं। हम सब मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे। और फिर रणधीर मेरा की छाती पे चढ़ के ये नक्शा एक बार फिर से मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसकी बाउंड्री। वांगली फिर से लकीर खींचेगा, लेकिन इससे पहले मैं इनकी जिंदगी की लकीरें मिटाऊंगा। नहीं वांगली, नहीं! नहीं, 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 नहीं। तुम्हें मेरी जान चाहिए ना, मेरी जान ले लो वांगली, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं वांगली, भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत मारो। मेरा बेटा। देख ये खून कैसे चमक रहा है, देख। बरसों पहले यही औरत इसी तरह मेरे भाई चिंगली का खून अपने हाथों में लगाकर भाग गई थी रणधीर मेहरा के पास, और आज मैंने इसी के बेटे का खून इसके हाथों में लगा दिया है। अब देख क्या होता है ये खून का। कुमांचू, ठीक है ना सुनील? बाबा गांव में जिस तरह सुअर घिर के मारता था, उसी तरह मारा साले को। Thank you.
रणधीर मेहरा के खानदान का कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। सोल को चुन चुन के मारो, एक एक को, जिधर भी साल है दिखे भून के रख दो सालों को। यहां तक मैं लाया उसे, मैं ही मारूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं आराम साधे को। रणधीर मेहरा बाहर निकल, आज तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। बाहर निकल। देश में से क्या कहते हैं मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे देश में से अर्थी कहते हैं। कहां से? और बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चले, मैं तुम्हारी लाइफ बनाने आया था, तुम मेरी लाइफ जलाने जा रहे हो। राम नाम सत्य है। गोरे भाई बदल गए, दोगले विदेशी, धर्म के काम में गरम न होने का राम नाम सत्य है। नीचे उतार हरामजादे, नीचे उतार। कंधे पे चढ़ाने का बहुत शौक है ना तेरे को? हथियार फेंक दे जूनियर, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इसे कहते हैं ट्रंप कार्ड, हुक्म का इक्का। नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट। तुम्हारे देश में क्या होता है वो तो मैंने देख लिया, अब मेरे देश में क्या होता है वो तुम देखो। तुम अर्थी उठाते हो, हम चिता जलाते हैं। तुम्हारे पूरे खानदान को आज मैं काट के फेंक दूंगा। रीटा, बाबा, बाबा, मां मर चुकी है बाबा। नहीं, हाँ बाबा, चलो यहाँ से, चलो, चलो बाबा। नहीं नहीं, रीटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे बाबा, मां मर चुकी है, नहीं जा सकती रीटा। यहाँ बैठ जाइए, लीजिए बाबा, पीछे का रास्ता बंद है, एक ही रास्ता है, जो भी आए गोली चला दीजिए। बेटे, तेरी माँ। बाबा, बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं एक एक का हिसाब चुकाऊंगा, सिर्फ एक ही रास्ता है, इस रास्ते से जो भी आए आप गोली चला दीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। जूनियर, रणधीर बहुत सकती है, मैं यहां संभालता हूँ, तू आ जा, जा। ए, चलने आधे घंटे के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई साहब, आधे घंटे के लिए वो लड़का मुझे चाहिए। ए सनी, आधे घंटे के लिए। एक्सक्यूज मी कपूर साहब। अरे तुम यहां भी पहुंच गए, क्या आप मुझे अपना बेटा आधे घंटे? Thank you.
तुझे तेरा बाप नहीं मैं मारूंगा। चली भाग यहां से। मेरे आधे घंटे को मार रहा था, आज मैं तेरे जैसे राक्षस को मार के सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। ये तो नहीं बाजी, लेकिन तेरी बज गई ने, मैं तो मजाक कर रहा था। जाऊं कर दिया, अपने ही हाथों अपने बेटे को गोली मार दी। नहीं बाबा, आपके हाथों नहीं मरता तो कोई और मार देता। मुझे खुशी है कि आज मेरा भाई बच गया। आप मरने का कोई गम ठीक 22 साल बाद रणधीर अपने ही हाथों अपनी ही संतान की हत्या करेगा और जरूर करेगा। इस संसार में कोई भी ऐसी मां नहीं होगी जो अपनी औलाद को खोना चाहेगी, और ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगी जो ठीक 22 साल बाद अपने ही हाथों अपनी ही संतान की हत्या करेगा। हे भगवान, तो ये सब सच था मेरी कुंडली में। अपने ही हाथों से अपनी संतान की हत्या करवा दी तूने। क्यों? रणधीर मेरा, देख मैंने तेरी लंका जला दी, अब मैं तेरे बेटे के साथ तेरी चिता भी जलाऊंगा। तुम्हारा जूनियर तो ठीक है ना? हाँ रणधीर, जूनियर ठीक है। उसे संभाल के रखना। उसे कैसे नहीं संभालूंगा, वो तेरा ही चिराग है।
जो मेरे घर में उजाला बनकर रहेगा। जूनियर आशीर्वाद लो। जीते रहो जूनियर।